हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन जो चल रही है वो अच्छी चल रही होगी अपने एग्ज़ाम के लिए। NIP का एंट्रेंस आप सभी ने जान ही लिया होगा कि उसका जो MPET और BPET का जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है। ठीक है, तो ये अभी अच्छी की नई न्यूज़ है। तो अभी की न्यूज़ है जो MPET और BPET का जो एग्ज़ाम होने वाला था, सच कंट्रोवर्सी के कारण वो जो है अब पोस्टपोन हो चुका है। अब कुछ दिनों बाद, कुछ हो सकता है 1 वीक बाद वो हो, या फिर उसकी कुछ नई अपडेट आए वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए वो पोस्टपोन हो चुका है। तो आप ही आप रुके नहीं, अपनी तैयारी जारी रखें और हमारे साथ बने रहें। देखिए, ये एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होना ही था। इस एग्ज़ाम का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब है नहीं। आप ही बताइए, जिस एग्ज़ाम में आप पूरा ओपन बुक, ओपन इंटरनेट, ओपन गूगल लेकर अगर आप वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम ही किस चीज़ का, वो एग्ज़ाम ही किस बात का, वो एग्ज़ाम तो कहला ही नहीं जा सकता। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये एग्ज़ाम नहीं है। और इसमें कुछ होना भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करें एटलीस्ट। हमारे NIP एक अच्छा, एशिया में सबसे जाना माना कॉलेज है फिज़िकल एजुकेशन का, तो उसमें एटलीस्ट ऐसी कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए। मतलब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा एग्ज़ाम कराया कंडक्ट, एंड अपने NIS ने इतना अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, तो मतलब फिर भी अपने NIP का स्टेटस है कुछ इंडिया में, तो उस हिसाब से जो एग्ज़ाम करा रही है उसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है। और ये इसको देखते हुए कुछ जूनियर्स हैं जो सीनियर्स को हायर कर रहे हैं कि सर मेरी हेल्प कराइए, सर मेरी हेल्प कराइए, तो यहाँ पर ये हो गया कि जिसके सबसे ज़्यादा सोर्सेज हैं, वो सबसे ज़्यादा अपना जो सोर्सेज का फ़ायदा उठा रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है यार। तुम्हें अपने पे भरोसा तो रखो, अपने पे वो तो करो। आप अगर किसी पे डिपेंड हो जाओगे तो आपका माइंड खुद ही ब्लॉक हो जाएगा भाई। आपने जितनी अपने लिए प्रिपरेशन करी है, BPET का सिलेबस ऐसा है कि वो अगर कोई नेट सेट का भी बंदा होगा तो वो भी मतलब इतना नहीं जान पाएगा। हाँ, नेट सेट का जो बंदा होता है वो डेप्थ नॉलेज कर तो लेता है, लेकिन वो जो है ऊपर की लेवल, जो बेसिक चीज़ें, वो इतना नहीं याद कर पाता, तो वो एक BPET के बंदे को ही आती है वो। तो इस बात को समझें, और मेरे हिसाब से तो ये सही हुआ, थोड़ा जो अभी पोस्टपोन हो गया है। मेरे ख्याल से वो जो इंस्टीट्यूशन है वो इस बारे में सोच रहा है, कुछ बच्चों ने इनिशिएट लिया इस बात को और उन्होंने मेल भेजा और किरण रिजिजू को भेजा और अपने जो वाइस चांसलर हैं दुरैया सर उनको भेजा और हमारे रजिस्ट्रार हैं उनको भेजा। तो मतलब सही क्या, ये सब मेल भेजने के बाद जो कॉलेज ने सोचा इस बारे में और थोड़ा सा इसको अभी रोक दिया है, तो मे भी शायद वो कुछ चेंजेस करें, तो हम देखेंगे आगे जाके वो क्या चेंजेस करते हैं। अभी इस बारे में बात करते हैं जो अभी जो आया है इनका BPET MPET को छोड़ के, जो PhD अदर जो कोर्सेज हैं, जो PhD के हैं, जो MA हैं, और जो अपना PhD MA डिप्लोमा, मैनेजमेंट डिप्लोमा, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज वगैरह के जो एग्ज़ाम डेट है वो तो फिक्स ही है, उनके तो होने ही होने हैं एग्ज़ाम। तो उसके लिए कुछ उन्होंने मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कुछ ये एडमिट कार्ड निकालने का जो प्रोसेस है वो दिया है, ये आज ही आया ये गाइडलाइंस भी उनकी फाइनल एग्ज़ाम की। तो डू एंड डू नॉट इन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट 2020, तो ये जो इन्होंने गाइडलाइन दी है इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो एक्चुअली इसमें दिया है। मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। आई डिड नॉट गेट ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट लिंक ऑन माई ईमेल ID। तो ये क्वेश्चन है, एक्चुअली कुछ लोगों ने क्वेश्चन भेजे होंगे ईमेल के थ्रू, तो वो क्वेश्चन इन्होंने कुछ कॉमन क्वेश्चन उठा के यहाँ डाल दिए हैं और उसके हिसाब से उनको समझाने की कोशिश की गई है। देखो, डिड नॉट गेट एंट्रेंस टेस्ट लिंक, अगर कुछ लोग हैं जिनको ईमेल पे टेस्ट का लिंक नहीं मिला होगा, तो उस बारे में उसने दे रखा है कि टेस्ट लिंक नहीं मिला है तो आप एंट्रेंस टेस्ट विल बी सेंट द ईमेल विच हैज़ बीन फिल्ड बाय द कैंडिडेट। इन्होंने देखा कि जो ईमेल तुमने डाला था उस पर लिंक भेज दिया गया है, आप उसको चेक करें, तो काइंडली चेक इनबॉक्स फुल चेक। तो जो ऊपर से नीचे तक जो इनबॉक्स है वो अपने ईमेल का पूरा चेक करें, वहाँ आपको मिलेगा।
काइंडली चेक ईमेल आईडी इज़ एक्टिव और रिसीविंग द ईमेल रेगुलरली। तो जो आपकी ईमेल आईडी वो एक्टिव है या नहीं, रेगुलर चल भी रही है या नहीं, इस बारे में सोचें। काइंडली रिमूव द चेक इफ़ यू हैव मार्क्ड सर्टेन ईमेल शुड नॉट यू। तो इस बारे में इन्होंने ये किया गया है, बताया है कि आपका या तो एग्ज़ाम जो जो आपका जीमेल है ईमेल है वो एक्टिव नहीं है, या फिर किसी वजह से रुका हुआ है, या आपने फ्रेश नहीं किया है, रिफ्रेश नहीं किया है, तो उसको करके देखें, आपका वही लिंक होगा एग्ज़ाम का। आई फाउंड, सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि आई फाउंड आई हैव एंटर द ईमेल रॉन्ग ईमेल आईडी। तो ये रॉन्ग ईमेल आईडी का तो फिर इन्हीं का है जिन्होंने रॉन्ग ईमेल आईडी डाली है, तो इनका खुद का दिक्कत है भाई। तो ये कह रहा है कैन वी अपडेट ईमेल आईडी, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा ये। तो ये यहाँ पे साफ साफ मना किया है, नो यू कांट अपडेट योर ईमेल आईडी। अगर तुमने एक बार डाल दिया है तो वो आप वही रहेगी, अब आपकी चेंज नहीं हो सकती, उसमें आप कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें आगे चलते हैं, आई एम श्योर माई ईमेल आई डी इज़ करेक्ट बट आई हैव नॉट गॉट लिंक। उसको लगा कि तीसरा क्वेश्चन है कि मैंने श्योर हूँ कि मेरी ईमेल आई डी डाली है लेकिन मुझे लिंक नहीं मिला है। तो उसमें भी उन्होंने दिया है कि इंश्योर करें कि आपकी ईमेल आई डी सही थी या नहीं। हो सकता है आपने कोई अल्फाबेटिकल या लेटर वाला कोई सिंबल वाला कुछ चीज़ गलत डाल दी हो जिसकी वजह से आपको वो ईमेल नहीं मिल पा रहा हो, तो वो आप चेक कर लें या पेमेंट स्टेटस चेक कर लें, प्लीज़ चेक पेमेंट स्टेटस में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि माई ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स वॉज फिल्ड बाय द फ्रेंड रिलेटिव एम पी ऑनलाइन कर। उन्होंने बोला है कि तुमने जो मैंने अपना जो फॉर्म है वो किसी फ्रेंड से या किसी से भरवाया था एम पी ऑनलाइन वाले से, तो इन्होंने देखा कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम किससे भी गेटिंग हेल्प ले रहे हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें ये करना ही है कि तुम्हारा ईमेल नहीं है या आया नहीं आया है या जो सही डाला या गलत डाला, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। उन्होंने बोला ये मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करें और अपना कोई भी शेयर लिंक वगैरह जो सब शेयर ना करें। आई हैव ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट लिंक ऑफ द आई डी एंड आई एम नॉट एबल टू लॉन्च एग्ज़ाम। तो ये बोल रहा है कि कुछ लोग जो है लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम, तो उस बारे में इन्होंने दिया है एग्ज़ाम लिंक कैन बी शेयर्ड बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पहले वो जो लिंक है शेयर कर दिया जाता है, और उससे 20 मिनट पहले आप लॉगिन कर लें। अगर 20 मिनट पहले लॉगिन नहीं कर पाते हैं, 10 बजे एग्ज़ाम है और 10 के बाद आप करते हैं, तो वो फिर आपका लॉगिन नहीं होगा, वो लॉन्च नहीं होगा। ये इन्होंने दे ये कुछ इन्होंने बेसिक से दे रखे हैं फंडे। ये क्या है, हाँ इंटरप्रटेशन, ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरप्शन मतलब कि आपने अगर एक विंडो पर अगर आपने अपना एग्ज़ाम चल रहा है तो कोई नोटिफिकेशन आ गया या कुछ आ गया या दूसरी विंडो खोल ली या ऐसा वैसा, ये सारे इंटरप्शन है जो आपको उसमें लाएंगे एग्ज़ाम में। तो अगर 25 से इंटरप्शन आते हैं आपके उसमें, तो एग्ज़ाम आपका लॉक हो जाएगा और वो आप जितना आपने किया है उतना ही सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ नियम शर्तें यहाँ रखी हैं इन्होंने, बहुत लंबी हैं, देख लीजिएगा आप इनको, पढ़ लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दे रखा है कि मिनिमाइज़ नहीं होना है, F5 दबा के आप रिफ्रेश नहीं कर सकते, कंसोल एप्लीकेशन ये सब वगैरह इन्होंने दिया है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर आराम से पढ़ लीजिएगा। ये इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बताई है इन्होंने कि इफ़ कैंडिडेट यूजिंग मोबाइल फ़ोन असेसमेंट, मोबाइल फ़ोन करता है तो व्हाट्सअप मैसेज यूज नोटिफिकेशन फ़ोन सेल अदर विल बी कंसिडर्ड एज इंटरप्शन। अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो व्हाट्सअप के जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं ये सब इंटरप्शन में ही आएंगे, और 15 इंटरप्शन आने के बाद आपका जो लॉक हो जाएगा। और इन केस वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो फिर भी 15 इंटरप्शन आने के बाद वो लॉक हो जाएगा। तो ये घुमा फिरा के उसने यही बात की है कि इफ़ माई स्क्रीन लॉक विल बी गॉट लॉक आफ्टर 1 इंटरप्शन। ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर एक इंटरप्शन के बाद आपकी लॉक हो जाती है तो क्या करें। तो ये उसने दे रखा है कि आप एक्सीड कर सकते हैं इंटरप्शन को, लॉक टेबल टू टेक द असेसमेंट कैंडिडेट शुड रीज द टिकट यूजिंग हेल्प डेस्क बटन एंड द यूज द एरर एंड अराइव फ्रॉम द 15 मिनिमम ग्रेस। दोबारा लिंक आपको मिलेगा, मतलब आप उसको उसी लिंक पर जाकर दोबारा उसको करेंगे तो आपको वहाँ पर फिर से लॉगिन हो जाएगा। इस माई एग्ज़ाम लोकेशन इज मॉनिटर्ड, इसके बारे में भी इसने कुछ दिया है। आई एम नॉट एबल टू द एग्ज़ाम विंडो कम्प्लीटली, एग्ज़ाम विंडो पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपना गूगल क्रोम पर जाकर और डेस्कटॉप पे यूज़ करें, गूगल का क्रोम का यूज़ करें, वेब ब्राउज़र का यूज़ करें। तो ये इसने बता रखा है सम बटन एक्सीम एक्टिव, तो ये सब उसमें दे रखे हैं। तो टोटल मिला के कुछ ये
16-17 हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। कोई नहीं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ही आगे के इम्पोर्टेंट से जो इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने बता दिए आपको। कुछ यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड तो अभी आपने कर ही लिया होगा, लिंक आपको मिल गया होगा। लिंक नहीं मिलेगा, मिला है अभी तक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ देखने वाली है, जिनको जिनका एग्ज़ाम है वो तो बहुत बढ़िया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पीएचडी है, एमए है, डिप्लोमा है, ठीक है, उनका तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी ये चीज़ गलत है, मतलब इतनी तो रखो यार, मतलब आप अगर एग्ज़ाम करा रहे हो तो मतलब एक ऑथेंटिक, एक वैलिड तो होना चाहिए वो एग्ज़ाम। और ऑथेंटिक वैलिड रिलायबल एग्ज़ाम तभी कराया जाता है जो वो विदाउट वो आपका बायसनेस, विदाउट बायसनेस हो। अब इस केस में तो टोटली बायसनेस हो रही है, जिसके पास भाई जित ज़्यादा सोर्सेज है वो ज़्यादा नंबर ले लेगा, जिसके पास आपके ज़्यादा नेट वाले हैं, जो गूगल वाले हैं आसपास बैठा के आप सबसे ज़्यादा नंबर ले आओगे, तो उसमें फ़ायदा क्या है? तो इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, सबके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये गलत है, कॉलेज वालों को इसमें सोचना चाहिए, एक बार इस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं कॉलेज क्या करता है, मेरे हिसाब से तो अभी ठीक है, अगर बीपीएड एमपीएड का ही अच्छे से हो जाए तो वही काफ़ी है, बाकी का तो चलो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, ज़ोरों से करें, बढ़िया से करें, ताकि एंड में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अपने शस्त्र अभी से बना के चलिए, अपनी धार अभी से बना के चलिए, ताकि उसमें आपको युद्ध लड़ने में आपको कामयाबी ज़रूर मिले। सो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।